नमस्कार। तिलक नगर के आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजीव यादव से जन्नत की पुकार ने की खास बातचीत। आम आदमी पार्टी ने पूर्व पार्षद राजीव यादव को तिलक नगर जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया है, इससे वे काफी उत्साहित हैं। दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल जी ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष से खास बातचीत की, देखिए पूरी रिपोर्ट। की पुकार आर के जायसवाल के साथ मैं अभी मौजूद हूं सकुरपुर गांव में, जहां पूर्व पार्षद राजीव यादव को आम आदमी पार्टी ने तिलक नगर का जिला अध्यक्ष बनाकर भेजा है। कितने खुश है, कितने गदगद है, अब आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जायसवाल जी, मैं बताना चाहूँगा कि खुशी की बात तो ये है कि मैं पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी के लिए शुरू से 11 साल से काम करता आ रहा हूँ, और खुशी इस बात की है कि उन्होंने समझा इस बात को कि मैं इस काम के लायक हूँ और मुझे जिला अध्यक्ष का पद देकर सम्मान दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हर्ष का विषय तो है ही, लेकिन एक नई जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई है और मुझे उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाना आता है और ये मैं करके दिखाऊँगा। सामने लोकसभा चुनाव है 2024 में, इसको लेकर इस समय में आपको जिला अध्यक्ष बनाकर भेजा है पार्टी ने, क्या क्या चुनौतियाँ रहेगी आपके लिए और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी ने मेरे पे ये जिम्मेदारी सौंपी है और ये विश्वास जताया है, मैं उनके मार्गदर्शन पे ये करके दिखाऊंगा कि लोकसभा की चीज जो नॉर्थ वेस्ट की हमारे पास लोकसभा की सीट है, हम उसको निकाल के दिखाएंगे एमपी के इलेक्शन में। लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी नेताओं से मिल भी आए हैं, अध्यादेश के बहाने लोगों से मिल आए हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बहुत शर्म की बात है, आज एक पीएम लेवल के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस लेवल पे आ गए हैं कि दिल्ली सरकार, जो लोकतंत्र की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, उनके काम को रोकने के लिए अध्यादेश ला रहे हैं। आज तक कभी इतिहास में कहीं ऐसा है मुझे बताइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं रोक सकता और वो चाहते हैं कि हम अध्यादेश लाकर उनके काम में रुकावट डालें ताकि आगे ना बढ़ सके। लेकिन जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, जनता को पता है कि अगर जनता का मसीहा कोई एक है तो अरविंद केजरीवाल है, जनता के दर्द को कोई समझता है अरविंद केजरीवाल है, तो आने वाले टाइम में इनका ये अध्यादेश भी फ्लॉप साबित होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सीएम आवास को लेकर मुद्दा बनाए हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, तो आप लोग कैसे देखते हैं? धरना प्रदर्शन इन्होंने पहले भी किया था, हमारी मंत्री साहिबा स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर लेके रोड पे बैठ गई थी, ये लोग धरना देंगे? ये दिखावा करने वाले, घड़ियाली आंसू बहाने वाले धरना देंगे, जिनको यही नहीं पता कि काम करते कैसे हैं, ज़मीन पे बैठा कैसे जाता है, ज़मीन की वैल्यू क्या है, जो हवा में उड़ते आ रहे हैं, तो सिर्फ ये हवा में उड़ रहे हैं, कोई धरना नहीं देना चाहता, सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी जी को आप जानते हो किस तरह की बातें करते हैं, तो सारे एक से कलाकार हैं इनके पास जो केवल हवा में बातें करते हैं। लगातार एलजी से टकराव देखा जा रहा है। देखो, बड़ी खुशी की बात है कि आज तक दिल्ली को यही नहीं पता था कि एलजी साहब होते क्या है, क्योंकि एलजी का जो काम है वो तो वो कर नहीं रहे हैं। मैं तो कहूँगा भगवान को सद्बुद्धि दे, वो बीजेपी की बातों में ना आए, अपने काम को देखें, अननेसेसरी दिल्ली सरकार के काम में ना उलझे। ये सब जानते हैं कि पब्लिक ने, जनता ने सीएम साहब को इंडिविजुअली कैंडिडेट बना के सीएम पद दे के सम्मानित किया है और ये उनका रूल है। जो एलजी तो खामखा आगे फाइल, हर तरह की फाइलें रोक दी, उनका जो काम है वो उनको करना नहीं है, बस बीजेपी की बीन बजानी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी वो अपने काम पे चले जाए। अच्छा राजीव जी, लोकसभा चुनाव है, क्या क्या मुद्दे बना रहे हैं आप लोग, क्या क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाने वाले? हमारा सिर्फ एक ही कमेंट है कि हमने अगर काम किया है तो वोट देना, हमने अपने वादे पूरे किए हैं तो वोट देना, हमने बिजली का बिल अदा किया है तो वोट देना, हमने पानी घर घर पहुँचाया है तो वोट देना, हमने पानी फ्री किया है तो वोट देना, हमने सैकड़ों हजारों स्कूल बना दिए तो वोट देना, हमने शिक्षा अच्छी करी है तो वोट देना, हमने हॉस्पिटल अच्छे किए तो वोट देना, हमने तीर्थ यात्रा लोगों बुजुर्गों को देकर सम्मान किया है तो वोट देना, हमने आपके लिए काम किया है तो वोट देना, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी है तो वोट देना, और हम तो आने वाले समय मेट्रो की यात्रा भी लेडीजों के लिए बुजुर्गों के लिए फ्री करके दिखा देंगे तो हमें वोट देना। देख रहे हैं कितना जिला अध्यक्ष में कितना जोश है, उत्साह है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।